10.8 एग्जांपल कंसीडर कीजिए. गिवन दैट द हाइट ऑफ द कॉलेज बॉयज इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 5 feet 2 inches एंड स्टैंडर्ड एविएशन 4 inches, यानी उसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 inches का आ रहा है. मिनिमम हाइट उन्होंने जो एनसीसी के लिए रखी है वो क्या है, 5 feet 4 inches, ठीक है. अब वो कहता है फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ दैट रिजेक्टेड, यानी अगर 5'4" से कम अगर किसी की हाइट होगी तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा ही है. अब क्या आप करेंगी, इसका मतलब है आप सबसे पहले क्या करेंगी कि अपने फीट्स को इंचेस में शिफ्ट करेंगे, यानी सबसे पहले आपने अपना स्केल सीधा करना है, ठीक है. अब आपने हाइट कंसिडर की, आपको म्यू पता है कि क्या है, म्यू आपके पास है 5 feet 2 inches, यानी वो 62 inches के बराबर है. आपने इंच, आपको पता ना कि एक फुट के अंदर 12 inches होते हैं, ठीक. तो आप इसको जो मल्टीप्लाई करेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि 5 को 12 से करेंगी तो ये 60 हो जाएगा, और 2 इंच उसमें ऐड कर देंगी तो वो 62 inches हो जाएगा, और सिग्मा आपके पास 4 दिया हुआ है. अब स्टूडेंट्स जो हैं उनकी हाइट क्या है, क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 5 feet or 4 inches, यानी 5 into 12 आपके पास 60 आ जाएगा, ठीक है जी. और फिर उसके बाद 4 उसमें ऐड कर लेंगे तो 64 inches आपके पास आनी चाहिए. यानी अगर रिजेक्ट कब होंगे, अगर आपकी हाइट, यानी कि उस बच्चे की हाइट, सेलेक्टेड बच्चे की हाइट 64 inches से लेस होगी तो रिजेक्ट हो जाएगा. तो रिजेक्शन की आपने चेक करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 64 के लिए आप चेक कर लेंगी. उसी तरह से आप इसको शिफ्ट करेंगी एक्स से जी में, कैसे, माइनस म्यू ओवर सिग्मा करके, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा. इधर भी कर देंगे 64 minus 62/4, स्टैंडर्ड डेविएशन 4 inches की आ रही है. इसको जब होल की जब आपने सॉल्व किया तो ये 0.5 आ गया. 5 of 0.5 किया टेबल में, देखा तो आपका आंसर आ रहा है 0.69146. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए. इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन आपके पास क्या है, म्यू है, सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है. फाइंड आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी म्यू माइनस सिग्मा लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा. अब आपको पता है कि आपके पास वैल्यू 5 of b minus 5 of a की फॉर्म में ही आती है ना, ठीक है जी. और म्यू और सिग्मा उसकी वैल्यू भी दे दी. अब आपके पास एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू आपके पास म्यू माइनस सिग्मा है. अब अगर म्यू माइनस सिग्मा को आप ए कंसिडर कर लें और म्यू प्लस सिग्मा को आप बी कंसिडर कर लें तो ये क्वेश्चन आपके लिए हल करना आसान हो जाएगा. अब ये देखिए, एक्स की वैल्यू उसने पहले ए वन दी हुई है ना, ए दी हुई है. ए क्या है आपके पास, म्यू माइनस सिग्मा माइनस म्यू ओवर सिग्मा आपने करना है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक. यानी इसमें एक्स माइनस म्यू आपके पास क्या है, ए के बराबर है. और माइनस म्यू ओवर सिग्मा आपने जी में इसको कन्वर्ट करने के लिए करना है, जैसे कि आप करती हैं एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा. फिर उसके बाद लेस देन आ जाएगा. अब आपके पास बी की वैल्यू क्या है, बी के लिए भी तो करना है ना. बी की वैल्यू है म्यू प्लस सिग्मा, ये लिख दी म्यू प्लस सिग्मा माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ठीक है. ये स्टेप आप समझ लीजिए. ये देखिए, मैंने ज़्यादा क्लियर करने के लिए यहाँ पर लिख भी दिया कि ये आपके पास पूरी वैल्यू क्या होगी, ए माइनस म्यू ओवर सिग्मा. ये आपके पास क्या होगी, बी माइनस म्यू ओवर सिग्मा. ए की वैल्यू क्या है आपके पास, ए की वैल्यू है आपके पास म्यू माइनस सिग्मा, वो पुट कर दी. बी की वैल्यू क्या है, म्यू प्लस सिग्मा, वो पुट कर दी. फिर उसके बाद अब ये देखिए, यहाँ पर म्यू आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, आप कर देंगी. और फिर सिग्मा सिग्मा से डिवाइड हो रहे हैं, वो आप कर देंगी. ये देखिए, आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर भी किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू माइनस सिग्मा लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा, यही क्वेश्चन है ना आपके पास. अच्छा, अब आपको पता है कि म्यू आपके पास क्या है, सिग्मा. म्यू आपके पास मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी. आप लेट कर लीजिए म्यू माइनस सिग्मा को ए के बराबर और म्यू प्लस सिग्मा को बी के बराबर, ठीक है. आपने लेट कर लिया कि ए आपके पास क्या है, म्यू माइनस सिग्मा है, और बी आपके पास क्या है, म्यू प्लस सिग्मा है. अब आपने अपनी सिचुएशन के मुताबिक इसको पुट किया. ये एक्स की वैल्यू ही थी ना आपकी, तो एक्स की वैल्यू अगर ए है आपके पास तो वो होएगा ए माइनस म्यू ओवर सिग्मा. इसी तरह ये एक्स है तो एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, और फिर इधर बी माइनस म्यू ओवर सिग्मा. ए से बी के दरमियान आपने वैल्यूज पुट कर ली, सेम उसी तरह से आपने इसको शिफ्ट करना है जी में. अब आपको पता है कि ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ आपके पास जी के बराबर है. ये देखिए, अब यहाँ पर आपने क्या किया कि आपने इसको जब जी के मुताबिक एडजस्ट कर दिया तो अब आपने इसकी ब्रैकेट्स खोली. म्यू म्यू से कैंसिल हो गया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है.
और यहाँ पर बच गया माइनस सिग्मा ओवर सिग्मा और यहाँ बच गया सिग्मा ओवर सिग्मा। कैंसिल आउट करने से यहाँ माइनस वन आ गया, यहाँ प्लस वन आ गया। अब आपको पता है कि जब ये सिचुएशन आपके पास आ जाती है तो आप क्या करती हैं, फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए, वही चीज़ आपने यहाँ पर करनी है, फाई ऑफ वन माइनस फाई ऑफ माइनस वन रूल लगा दिया। अब इसको आप टेबल वैल्यू में देखेंगी और अपना आंसर निकालेंगी। ये देखिए, उन्होंने फाई ऑफ वन और फाई ऑफ माइनस वन को टेबल में देख के ये आंसर निकाल लिया, ठीक हो गया। अब आगे देखिए 10.10 में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है डायमीटर बॉल बेयरिंग आपके पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, म्यू दिया हुआ है 0.6140, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 0.0025। अब आपने डिटरमिन करनी है मुख्तलिफ वैल्यू, ये लेस देन वैल्यू दी हुई है, ये ग्रेटर देन दी हुई है, ये बिटवीन दी हुई है, ये इक्वल दी हुई है, ठीक। अब ये एग्जाम्पल सेम आपकी पिछली एग्जाम्पल की तरह की ही है और आप इसको खुद से अटैम्प्ट करेंगी, ठीक है। ये देखिए, पहले आपने क्या किया, x लेस देन 6075 उसके मुताबिक आपने इसको करना है, ठीक हो गया। अब लेस देन के लिए निकालेंगी पहले, ठीक है, उसी तरह उसको z में शिफ्ट करेंगी, फाई की वैल्यू टेबल से देखेंगी और निकाल लेंगी, ग्रेटर देन के लिए भी और ये बाकी भी। ये एग्जांपल आप खुद से करेंगी और मुझे रिस्पॉन्स देंगी कि आप लोगों से ये हो गई है कि नहीं, ठीक है। थैंक यू।